नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम साई ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको बता दें, उन्होंने कहा माता रानी की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, प्रदेश में सुख शांति की कामना की है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहाँ सीएम साय ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको बता दें, उन्होंने कहा माता रानी की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, प्रदेश में सुख शांति की कामना की है। सीएम साय ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा माता रानी की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, प्रदेश में सुख शांति की कामना की है। नवरात्रि का पहला दिन है, मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो माँ बम्लेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। जितने भी भक्तजन हैं सब निःशुल्क में माँ बम्लेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ काली माता अन्नदाता समिति को भी, कि उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया है निःशुल्क में बस ये चलाकर, इससे हमारे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और समिति को भी माता रानी की कृपा मिले, ऐसा माता रानी से कामना है।